तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो भाई, यहाँ से हमने दूसरा व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। जैसे कि आप लोगों को पता चला होगा कि कल हम लोग जा रहे थे झरना पे, तो वहाँ पर हम लोगों को कार अलाउ नहीं कर रहे थे अंदर को, तो हम लोग पहले पैदल गए। तो वहाँ से झरने के पास जाने के लिए हमको 1 किलोमीटर जाना पड़ता, तो मम्मी पापा लोग नहीं गए थे, सिर्फ मैं और जीजा और मामा का लड़का और भैया गए थे। तो अभी चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ पर कैसा क्या था। तो बाहर से स्टार्ट करते हैं व्लॉग कि बाहर से कैसा क्या है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, तो आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर भाई, सारी जितने लोग आए हैं देखने के लिए, तो सबकी यहाँ पर कार खड़ी है और वो रहे हैं पहाड़ जो कि 1 किलोमीटर दूर पे हैं। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर अब जल्दी से दिखाता हूँ यहाँ का बैरियर, जो कि कार अभी अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर का बैरियर भी देखो कितना ज़्यादा पुराना लगा हुआ है। फाइनली गाइज, यहाँ से हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है और वो सामने दिख रहे हैं बड़े बड़े पहाड़। तो यहाँ पर भाई इतनी तेज़ गर्मी हो रही है कि क्या ही बोले, ऐसा लग रहा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोग मस्ती करते हुए जा रहे हैं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऐसा लग रहा हम लोग नहा लेंगे, बिल्कुल पूरे ऊपर से नीचे तक गीले हो जाएंगे। बट फिर भी क्या करें, अब जाना तो है ही, जब इतनी दूर आए हैं तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हमको पैदल ही जाना है। तो भाई ये सबसे बड़ा टास्क हम लोगों के लिए है। तो इतनी तेज़ धूप में वो भी, और ना ही हम लोगों के पास कोई कपड़ा है जिससे अपना फेस ढक सकें। तो यहाँ से पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही मम्मी पापा बोलेंगे। और ये यहाँ की एंट्रेंस है जो कि आप लोग देख रहे हैं, इतना भाई कितना अच्छा प्यारा लग रहा है। जो यहाँ का गेट बिल्कुल ऐसा लग रहा है पत्थरों से बनाया गया है, फिर भी अभी पास जाके देखते हैं। तो ये भाई बिल्कुल वो आर्टिफिशियल है, मुझे लगा पत्थरों का बनाया जा रहा है। तो ये यहाँ का भाई है। तो भाई यहाँ से हम लोग एंटर हो चुके हैं वाटरफॉल के लिए। तो यहाँ पर भाई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस वजह से हम लोगों को बाहर मतलब कार अलाउ नहीं कर रहे थे। पर फिर भी हम लोग इतनी ज़्यादा दूर आए हैं, तो हम लोगों ने कहा बिना देखे तो जाएंगे नहीं, तो इसीलिए हम लोग सहिंसा बन के घुस आए इतनी गर्मी में। तो यहाँ पर अभी लोगों से पूछते हैं वाटरफॉल हम लोगों के लिए अलाउ है, तभी हम लोग मम्मी पापा को बुलाएँगे, वरना फिर देखते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में देख रहे हो ऊपर से नीचे तक सब पूरा गीला हो चुका है। तो देख रहे हो भाई ये सब किसके लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए, खुद के लिए भी, क्योंकि भाई मुझे भी देखना है ना, और आप लोगों को भी दिखाना है कि यहाँ पर इतनी दूर आके हमने क्या देखा। तो यहाँ पर भाई ऐसा लग रहा है मेहनत पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो यहाँ पर अभी हम लोग रुके थे, पुलिस वाले से हम लोगों की बात हुई, तो वो बोल रहा है इस साल नहीं अगले साल से ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा बन जाएगा, इसलिए इस पर काम किया जा रहा है। तो ये देख रहे हो भाई, यहाँ से हल्का हल्का पानी ऊपर पहाड़ों से आ रहा है, जो कि थी छोटी छोटी नदियों से, झीलों से, अभी मेन जो जगह है वो उसके अंदर अभी पहुँचे नहीं, अभी और आगे चलना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं और देखते हैं चल के, तब तक आप लोग सॉन्ग का एंजॉय करें। तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर हम लोगों को आना था। तो भाई यहां पर हम लोग बदकिस्मती से यहां पर काम चल रहा है, तो इस वजह से वाटरफॉल को रोक रखा है, और वो भी पहाड़ों से पानी आ रहा है जो कि वो सामने आप लोगों को दिख रहा है, अभी आगे जाके दिखाएंगे। तो यहां पर उसको रोकने के लिए 500 पाइप डाली गए हैं ताकि वो उसका झरने का पानी रोक सकें। और यहाँ पर भाई अगले साल से इतना प्यारा बन जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम 2-3 फ़ोटोज़ लास्ट में ऐड कर देंगे कि ये वाटरफॉल जब पहले चलता था कैसा लगता था, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए थे। बाकी ये जो जहाँ से पानी आ रहा, तो भाई इसी में मुंह धुल के चलते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर आ ही गए हैं
और इसके नीचे पानी के नीचे देखते हैं क्या है, तो अपना पूरा फ़ोन डुबा दिया है। तो यहाँ पर भाई अभी अपना मुंह भी धुल लेते हैं, क्योंकि भाई झरने का पानी है इतनी जल्दी से नहीं मिलता है, तो पहाड़ों से जो कि आता है। तो यहाँ पर कर लेते हैं अपने कैमरे को साफ, और ये अपना मुँह धुल रहा है जो कि हमने धुल लिया है थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि वैसे भी गर्मी इतनी है और ये भाई पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो आप लोग पैरों को बांधे बेड़िया, बताए सा कहानिया, तो रोशनी बना है तू धाने का सब आसमान है, तो इस जमाने का हर पैतरा गुजर, ऐसी राह से गुजर, जी उठे हर घड़ी हर पहर, सफर भाई। इतनी ऊंचाई पे आने के बाद अभी भी हम लोग झरने के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, और भाई यहाँ पर जो पत्थर हैं उसके ऊपर जाल बिछाया जा रहा है ताकि पत्थर ऊपर से नीचे ना आ जाए। तो यहाँ पर देख रहे हो पीछे जितने चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं, और काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो कि हम उसके पता नहीं कुछ भी नहीं है उसके सामने, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा छोटे लग रहे हैं। तो अभी यहाँ से चलते हैं और आगे से दिखाते हैं। तो भाई झरने की जगह पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हम लोगों को वहाँ पर अलाउ नहीं किया जा रहा, ये तो उसका बाहरी का पार्ट है। अभी अंदर चलना है तो बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है, तो अभी भी बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है, तो वहाँ जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया। तो हम लोग भाई अपना मुँह उठा के चल रहे हैं वापस से नीचे, और देखते हैं चल के और कुछ अगर दिखाने वाला। अभी तो काफ़ी सारे मंदिर भी जाना है, तो बाकी यहाँ पर उम्मीद थी कपड़े उपड़े भी लाए थे, नहाएंगे सब कुछ क्या ही बोले। तो यहाँ से अब देखिए भाई पहाड़ चेक करिए कितने ज़्यादा बड़े हैं, तो अब क्या ही बताएं। तो आप लोग भैया सॉन्ग सुनिए और हम चलते हैं, आप लोग देखते रहिए क्या आगे आगे होता है। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया, बुरा है जमाना तू चल डर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर है, बना है तू धाने का सब आसमान है, इस जमाने का। तो भाई लोग अभी हम लोग जा रहे हैं एक प्रसिद्ध मंदिर, यहीं पे पड़ता है तो वहीं पर जा रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग पहाड़ देखिए, तो भाई वहाँ पर झरने वाटरफॉल के पास तो जाने नहीं मिला, नेक्स्ट ईयर आएंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं प्रसिद्ध मंदिर के पास, वो आएगा नेक्स्ट व्लॉग में। सफर कैसा है ये सफर,